होली बहुत ही फेवरेट त्यौहार है हमार, और हमरे ख्याल से जितना जनी भी हमन के हिंदू लोग बानी जाए, हिंदू लोग अब तक खैर होली ऐसा हो गल बाटे कि हिंदू मुस्लिम सभी मनावेला, सब भाईचारा जेकर जेकर बाटे जेकरा साथे बाटे सभी मनावेला। तो हमहूँ कोशिश करें नहीं कि होली वाला दिने जे भी दूस कौन जेकरा से मन मुटाव बा, सबको मन मुटाव दूर होके ऐसे होकर घरे जाके खुद ओकरा से भेंट कैल, उसे मुलाकात कैल, रंग लगावल, अबीर लगावल, ताकि गिले शिकवे दूर करके एक दूसरे के करीब आ जाए। यही त्यौहार होता है होली। हाँ, अभी मैंने परवरिश फिल्म की शूटिंग की है। अभय सिन्हा जी इसके निर्माता हैं। अभय सिन्हा जी भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे बड़े निर्माता माने जाते हैं। तो जब उन्होंने मुझे फ़िल्म परवरिश ऑफ़र की तो मुझे बड़ा मज़ा आया। और अजय श्रीवास्तव जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, वो बहुत ही, मतलब मैं आज कह सकता हूँ कि मैंने 25-26 फिल्में करने के बाद अगर मुझे बेस्ट डायरेक्टर के लिस्ट में दो चार नाम ही है मेरे पास, 26 फिल्में करने के बाद दो चार ही नाम हैं जिनको मैं बहुत लाइक किया हूँ, जिनका काम, अजय श्रीवास्तव जी उसमें से एक हैं। और अभय जी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी फिल्म मुझे दी। एक्चुअली इसके जस्ट बाद एक और अभय जी की मैं फ़िल्म कर रहा हूँ, वो उस फिल्म के डायरेक्टर हैं दिनेश यादव जी। तो दो फिल्में मैं अभय जी की कर रहा हूँ, और अभय जी अच्छे निर्माता हैं, अच्छे इंसान हैं, उनकी फिल्में हमेशा करना चाहूँगा मैं। उस फिल्म में बड़ा ख़ास है, रितेश पांडे इसमें मेरे छोटे भाई की भूमिका में है, शिविका दीवान है इसमें एक्ट्रेस, मेरे अपोजिट इसमें स्मृति सिन्हा जी हैं, अमित शुक्ला जी हैं विलन, और मटरू जी हैं। तो पहली बार स्मृति सिन्हा और यश कुमार एक साथ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। बड़ा मज़ा आएगा इस फिल्म को देखने में, बड़ा मज़ा आएगा। मेरा और रितेश पांडे का जो नोक झोंक, जो फाइट सीक्वेंस हुआ है मेरा और रितेश पांडे का, बहुत खूबसूरत है। तो ये दो भाइयों की कहानी है, मज़ा आएगा, आप सबको देख करके ज़रूर देखिएगा। बाकी की देखिए, इसके जस्ट बाद अभी मैं अपनी कुछ दिन का शूट बाकी है, छोटकी ठकुराइन का शूट कंप्लीट करने जा रहा हूँ। छोटकी ठकुराइन के बाद मैं विजयी भवा का शूट कंप्लीट करने जा रहा हूँ। मोहब्बत जिंदाबाद का काम शुरू हो गया है, वो काम शुरू होगा। उसके जस्ट बाद मैं इंस्पेक्टर धाकड़ सिंह की शूटिंग शुरू करने जा रहा हूँ। तो एक के बाद एक फिल्में आती रहेंगी, आप सब देखते रहिएगा। और सबसे महत्वाकांक्षी मेरी फिल्म जो है बिटिया छठी माई के, वो 12 अप्रैल को रिलीज़ होने जा रही है। उसे जरूर प्यार और आशीर्वाद दीजिएगा, क्योंकि वो फिल्म भोजपुरी सिनेमा का मान सम्मान है, गौरव है। ऐसी फिल्में भोजपुरी सिनेमा में नहीं बनी है। एक्चुअली पाखी जी के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि मैं जब इंडस्ट्री में आया था तो इस फिल्म इंडस्ट्री में सिर्फ एक ही ऐसी ही हैं पाखी जी जो मेरा क्रश बन गई थी। मुझे क्रश था उनके ऊपर, आई लव हर एक्चुअली। और पाखी जी ने गाना गाया है तो मैं ज़रूर सुनूंगा, पाखी जी ने गाना गाया है तो मैं शेयर ज़रूर करूँगा, पाखी जी ने गाना गाया है तो जितने भी मेरे भोजपुरी दर्शक मुझे प्यार करते हैं, मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा, आप सबसे निवेदन करूँगा कि पाखी हेगड़े जी बड़ी खूबसूरत अदाकारा हैं, और जितनी खूबसूरत अदाकारा हैं उससे ज़्यादा खूबसूरत वो इंसान है। वो एक ऐसी मतलब इंसान है कि अपने सामने खड़े हुए किसी भी इंसान को ये एहसास नहीं होने दिया है कि वो उनसे जूनियर है या सीनियर है। बड़े ज़िंदा दिली से सबसे मिलती हैं, मोहब्बत से मिलती हैं। तो पाखी जी, आई लव यू, बाय माई बेस्ट विशेज़ आर ऑलवेज़ विद यू। और आपका ये गाना जो आपने गाया है मैं सुनूंगा भी, शेयर भी करूंगा, और सारे लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज़ पाखी जी का ये गाना सुनिए, और सुनने के बाद से सिर्फ सुनिए, मैं उसे शेयर भी कीजिए। थैंक यू।